धार जिले के सागौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौशाला के पीछे मोतीनगर सागौर में रहने वाले फरमोश शाह के मकान में रात करीब 2 बजे आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण पुराने विवाद की रंजिश है। फरमोश शाह के बेटे नौशाद ने बताया कि मेरा भाई इरफान जो कि विकलांग है और पास में रहने वाली गोरी भी दोनों ही घर से भाग गए हैं, जिसको लेकर विवाद हुआ था। लड़की के घर से भोरू शाह और उसके परिवार वालों ने फरमोश शाह लड़के पक्ष के लोगों के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी, जिसमें फरमोश शाह सहित पूरे परिवार को काफी चोटें आई थी, जिसकी शिकायत सागौर थाने पर भी की गई थी। मामला 2 महीने पुराना है, जिसे अभी तक पुलिस ने शिकायत के बाद भी कार्यवाही नहीं की और आरोपियों को भी नहीं पकड़ा। जब कल रात को फरमोश शाह का पूरा परिवार घर में सो रहा था, तो भूरू शाह के परिवार वालों ने घर में आग लगा दी। फरमोश शाह व परिवार ने अपनी जान बचाई। आग लगने से घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। आज जब पूरा परिवार थाने पर कार्यवाही की मांग को लेकर पहुंचा, तो CSP और थाना प्रभारी ने कार्यवाही की बात कहकर सभी को घर भेज दिया। फरमोश शाह के परिवार का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस द्वारा सुनवाई नहीं की जा रही है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। 1.5 महीना हॉस्पिटल के अंदर भी रहा, कोई पुलिस वाला खबर लेने के लिए नहीं आया, वहाँ पे बयान लेने के लिए नहीं आया। उसके बाद में यहाँ आग लगा दी घर में। आग किसने लगाई? भोरू और ये सुजा सादत, एबू जीबू इब्राहिम कोयल। क्यों लगाई आग? मामला क्या था? ये पहले के जो झगड़े थे उसकी वजह से, पहले जो झगड़े हुए थे उनकी लड़की भाई के साथ भी चली गई थी। वो फिर अपन ने वापस ला दी थी, उन्होंने बोला था हमारी लड़की ला के दे दो, तो उनकी लड़की ला के दे दी थी वापस। हमने जान से मारना चाह रहा था, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। यहाँ पे दरवाजा लगा हुआ था, ये अंदर सोए। अच्छा, आज थाने पे गए थे तो TI साहब ने क्या बोला? आज भी सर ने बोला कि सब हो जाएगा आज, और कुछ भी उठा नहीं रहा। उनको 1.5 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी उनके खिलाफ। अच्छा, कार्रवाई नहीं होती है तो क्या करोगे? हम उनको सजा दिलवाना चाहते हैं और आगे नहीं तो भोपाल जाएंगे फिर आगे हम, अगर यहाँ कार्रवाई नहीं होगी तो। आपका नाम बता दो। शाहरुख नाम है। रात को आया था मैं, तो पुलिस वालों ने बोला मेरे को कि आप 8:30 बजे सुबह आना, तुम्हारी रिपोर्ट सुबह लिखाई। थाने पे आए, क्या मामला लिखा? सर थाने पे आए थे तो भाई का अपंग दो पैर से, तो इनकी लड़की जो थी एक बार पहले भाग गई थी, तो इन्होंने बोला कि लेके आओ, तो हम 4-5 दिन के बाद में लाके उनके घर के हवाले कर दी थी सर। उसके बाद में सर वो 1-1.5 महीने के बाद में वापस भाग गई, तो सर इन्होंने फिर मारपीट चालू कर दी 1.5-2 महीने के बाद में इन्होंने। उसके बाद में बोल भी रहे थे यहाँ रहने नहीं देंगे, घर पे हम कब्जा करेंगे या तो आग लगा देंगे, तुमको जला देंगे। तो हमने आवेदन भी दिया सर, यहाँ पे रिपोर्ट भी करी, हमारी अभी तक सुनवाई नहीं हुई सर। किसने मारपीट करी, किसने घर पर? ये भैयू आमिर और गुरु, उसका छोरा सुजात है और सादत है, जीबू है और इब्राहिम है और होटल सबो। ये कौन है? ये सब उसके लड़के हैं और उनकी बेटी हैं, उनकी औरत है और एक दूसरा आदमी है। कल गुंडे लेकर आए। कल क्या हुआ आपके साथ? कल ये हुआ सर कि रात में आग लगा दी इन लोगों ने घर पे, बाहर से दरवाज़ा लगा दिया, साकल लगा दी, घर पे सो रहे थे सब अंदर, तो इन्होंने आग लगा दी। सो एकदम से निकल के भागे, तो मैं एकदम मेरे को उठाया, दूसरे मकान में सोया था। माँ बाप ने बोला आग लग गई, तो सर यहाँ रातम रात फ़ोन लगाया मैंने 100 नंबर पे, तो सर फ़ोन ही नहीं लगा 100 नंबर पे। फिर वापस अम्मी को लेकर थाने पर आया हूँ मैं, तो उसके बाद पुलिस पूरी आग लग के पूरा सामान सब जल गया, जितना भी घर में था। अभी किसने जलाया? ये लोगों ने जलाया है भाइयों और उसके छोरे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हिसाब चाहिए हमारे को सर, और हमारा घर मकान चाहिए वापस। ऐसे नौ सर। किसने जलाया आपका घर? ये भूरू, ये क्या नाम है, ये भैयू आमीन कालिया, उनका छोरे सब। क्यों जलाया घर? बस वो पहला हमारी वीडियो हुई थी और हम बोले थे पहला वही मामला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।